अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर ब्रदर अब्दुल कदीर। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। बाकी जो हमारे परिंदे हैं ना, पिंजरा ये यहीं पर ही सेट है फिलहाल। छत की हालत कल अभी सफाई की है, दोबारा से गंदी हो गई है। ये रही एक मुर्गी, ये रही दूसरी मुर्गी, ये तो यहाँ पे इनको जो है ना ऑयल वाला खाना डाला था, इस वजह से ना यहाँ पे ऑयल के धब्बे पड़ गए हैं। बाकी ये नीचे से साफ है तकरीबन। तो दोस्तों आज हमने इनके लिए मुर्गा लाना है। सैलरी आपके भाई की आ गई है, तो इंशाल्लाह आज जाते हैं अच्छा सा मुर्गा लेके आते हैं लाड़ी अड्डे से। बाकी आपको लाड़ी अड्डे का इंशाल्लाह विजिट भी करवाएंगे, कौन सा मुर्गा कितने का, क्या रेट, कौन क्या नंबर है। तो चलते हैं और जो है ना आपको पहले ये तोते दिखा देते हैं, फिर चल के आपको मुर्गा मुर्गी दिखाते हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे तोते, माशाल्लाह से ये भी सेहतमंद है। अब मुझे लग रहा है कुछ इनका फील हो रहा है कि इनका जो है ना पेड़ लग चुका है आपस में, तोता और वो पीछे तोती, ये रही तोती, आगे तोता, ये इनकी मटकी यहीं बड़ी बड़ी है, उनके लिए दाना है, पानी इनका भी यहाँ पे बाहर निकाले, इसको भी धो के जो है इसमें पानी रख दो। बाकी ये इनकी पूरी फीड बड़ी है, दाना कंगनी जिसे कहते हैं, ये देखें, ये दो दादा दाना खाना आ गया, अभी इसका दाना भी डाल दें, दाना भी ख़त्म हुआ है। तोती दोस्तों तोते से ज़्यादा प्यारी है, लेकिन पता नहीं इसने जो है ना अपना रंग का बिड़ा बड़ा किया हुआ है, अब इसको पकड़ के नहला भी नहीं सकता बंदा। तोता मटकी के अंदर देख रहा दोस्तों, मुझे लग रहा है अब इसको अंदर लेके जाएगा तोता। मैं थोड़ा सा बाहर होता हूँ, आप दो मिनट इसको देखें। मैंने आराम से ये मोबाइल यहाँ पर रख दिया, देखिए आता है कि नहीं आता ये तोता, ये क्या करता है। दोस्तों भी अभी मटकी के पास नहीं आया, इसका मतलब ये है कि मेरे पास आ रहा था बताने के लिए कि दाना दे दो, दाना नहीं है। हाँ ये दाने के पास आ रहा है मुझे बताने के लिए दाना नहीं है। अब मैं इनको दाना दे दूँ फिर आपसे मिलते हैं, दाना पानी इनका काट दूँ थोड़ा सा मैं। दोस्तों ये इनका मैंने दाना पानी दोनों इकट्ठा कर लिया, अब इनको बारी बारी ये रखूँगा। हाँ मेरे पास अभी दो ही हैं फिलहाल, इतना बड़ा खोल दिया मैंने, शुक्र है कोई उड़ा नहीं, ये पानी पीने आ गया, बेचारों को प्यास लगी थी दोस्तों। अब ये दाना रख दिया, तोती का खतरा होता है, तोता तो अंदर ही रहता है, तोती एक दो पहले भी बाहर निकल चुकी है। ये तोती, ये आ गया दाना, ये आ गया पानी। तो दोस्तों दाना पानी मैंने दोनों रख दिया, अब ये लोग आएंगे खाएंगे चले जाएंगे। ये तोता कैसे बैठा हुआ है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मंडी, अब इंशाल्लाह यहाँ से मुर्गा लेके जाएंगे। तो मेरे साथ एक दोस्त है मेरा और मेरा भाई है रिजवान, ये मेरा दोस्त भाई है, ये जी आगे ले जाए, काफी अच्छा है मुर्गा है, 10,000 ये 10,000 रुपये का भाई मुर्गा लेने, पाकिस्तानी नस्ल है, चेक करो माशाल्लाह काफी अच्छी नस्ल है, ये लेने का दिल कर रहा है, अब देखो कौन सा लेते हैं हम। मुर्गा चेक करो माशाल्लाह से, यार भाई कौन सी ब्रीड है ये, रामू कितने की दे रहे हो,
40,000 कोई नंबर कोई भी नहीं है भाई, ये शामू है, चेक करो ये मुर्गा 40,000 रुपये का भाई दे रहे मेरे तो रेंज से ये भाई डा फिलहाल, इंशाल्लाह एक वक्त में लेंगे ये भी यार। ये आंख क्या करो इसकी, ये इसके नल माशाल्लाह से काफी अच्छा मुर्गा है, अभी इसने फाइट किया माशाल्लाह से काफी अच्छी किया, मैं सोच रहा हूँ यही मुर्गा लेने का सोच रहा हूँ मैं, बाकी देखे चोर नीचे दिखा नीचे छोड़ के तोड़ चेक करें इसकी छुट्टी पे है यार। बाकी ये जो है ना मुर्गा ले लिया हमने, बाकी ये मुर्गा ले लिया चेक कर लो माशाल्लाह से मुर्गा चेक करें काफी अच्छा मुर्गा है, अभी आपको ये चेक करवाया, शुक्रिया अंकल जी यार। बाकी अंकल नंबर बता दें अगर कोई होड़ा के पास, 0323 49 बाकी भाई के पास ये भी है, और भी काफी सारी ब्रीडें हैं भाई ने काफी निकाल दी है मेरे सामने सामने, लड़ाई वाले भाई के पास मुर्गे हैं अगर किसी ने लेने हो ना ले लीजिएगा भाई का माशाल्लाह से, ये भी जो मुर्गा है ना ये हाँ भाई घर पे पहुंचा देंगे आपको टेंशन नहीं लेना, ये जो मुर्गा है ना ये माशाल्लाह से काड़ी मारता है, बाकी तपा के ले लो। बाकी दोस्तों अभी अभी जो है ना इसने छलांग मार दी है, इसके पैरों पे भी लग गई है चोट, और जो है ना इसके पोटा भी पूरा लाल हो गया, खतरा इसका पोटा भी पूरा लाल हो गया, उसने वो मेरी छत से जो है ना एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, इसने वो ऊपर वाली दीवार से वो जो ऊपर दीवार है उससे इसने छलांग मारी है, और वो वहाँ पे जाके गिरा है मुर्गा, ये मेरे फिंगर के बाइक के पास जाके गिरा है, उसने इतनी लंबी वो वहाँ से जो है ना वो उस साइड से मारी थी, इतनी ऊंचाई है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि आप देख सकें इतनी ऊंचाई है, वहाँ से उसने मारी थी उड़ता हुआ वो बाइक के पास गया था, वो तो बचत हो गई है अभी इतनी इसको कुछ माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा मुर्गा सट बर्दाश्त कर गया। तो दोस्तों ये मुर्गा देखो माशाल्लाह, ये आज हम लाए हैं मार्केट से, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अजान माशाल्लाह से इसकी बहुत अच्छी है, फाइट उससे भी ज़्यादा अच्छी है, अगर आप इसकी फाइट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल कदीर जान में, मेरा चैनल है कदीर जान के नाम से, उसमें है इसकी फाइट, तो आप जाके देख सकते हैं, पिन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका मेरे इंस्टाग्राम आईडी का, तो